अभी मैं सारे कॉम्पिटेटर के करके चेक करूंगा और यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर मुझे बताओ ये क्या कौन सा कॉम्पिटेटर बताओ। पहले ये चेक करता हूं क्या लगेगा, बी लगेगा इसका मतलब शॉर्ट नहीं है। आगे चेक करूंगा ये क्या काम कर रहा है, ये सीरीज है कि अलग है, तो इसके लिए बी बोर्ड पे डाल दूंगा अपना टीआर पे, बी पे। और एप्पल आईफोन का सीपीयू रिवॉल्विंग गियर वो भी ड्यूल डेकर में बहुत बढ़िया हुआ था। यूनिवर्सल में किया आपने? यूनिवर्सल में डोल लेकर भी, यूनिवर्सल में आईफोन का एड भी यूनिवर्सल में किया। उसके बाद में देव सर के साथ में 6 घंटा क्लास हुआ, उसके बाद में प्रैक्टिकल में आए, प्रैक्टिकल किए, बहुत बढ़िया रहा सर। सर मेरा नाम मोहित चौरसिया, मैं इंदौर से हूँ। आज हमारा सुबह 8 बजे क्लास थी जिसमें सीपीयू रिवॉल्व किया हमने, मैंने खुद ने A8 सीपीयू आईफोन का A8 सीपीयू यूनिवर्सल स्टेंसिल से रिवॉल्व किया, उसको करके देखा पूरा। उसके बाद देव सर के साथ हमारी क्लास थी कंपोनेंट 2 की, इसमें हमने डायोड और कॉइल का आज सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया। देव सर ने बहुत ही हाई लेवल एनर्जी से हमको पढ़ाया, हमको पूरा समझ आया और अब कोई भी डाउट हमको बचा नहीं है कंपोनेंट में। अभी तक जितना पढ़ाएगा उसमें से सब हमारा क्लियर है, ऑल कंपोनेंट क्लियर है। हाँ सर, शाम को प्रैक्टिकल नॉलेज ऐसा मिल रहा है कि आप किसी 4 बच्चों को पढ़ा सकते हो? यस सर, ऐसा नॉलेज मिल रहा है आपको? मिल रहा है सर, कोई ऐसा छुपा के तो नहीं दे रहे ना? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं। आप 4 बच्चों को पढ़ा सकते हैं? यस सर, बता सकते हैं। अगर यहाँ आपका सेटअप इंदौर में, अगर मैं बोलूँ कि मोहित आप इंदौर में 4 बच्चों को पढ़ा दो जो यहाँ से सीखा है, आप पढ़ा सकते हो? नहीं पढ़ा, पूरा पढ़ा सर। एशिया टेलीकॉम से न जाने नाम से दिल्ली में 2-3 इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, नेपाल में चल रहे हैं, है ना, महाराष्ट्र में चल रहे हैं, हैदराबाद में चल रहे हैं, सूरत में चल रहे हैं, गुजरात में चल रहे हैं, यहाँ से पढ़ के बच्चा जाता है, लखनऊ में चल रहे हैं हमारे हमारे यहाँ के स्टूडेंट के, है ना। हाँ सर, यहाँ से पढ़ के निकल के जाते हैं, इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं। लेवल इस लेवल की पढ़ाई, इस लेवल की नॉलेज ही अलग लेवल का है सर। कोई सी भी जगह से पूछ, 2 दिन की क्लास, 2 दिन में पूरा नॉलेज मिला आपको? बिल्कुल सर। तो तुम्हारी बात नहीं कर रहा, पूरी क्लास की बात, पूरी क्लास में फुल एनर्जी है सर। कहीं से भी कोई को भी किसी को भी क्या भी पूछ सकते हैं, पीसीबी में तुरंत जवाब देगा। पहले कौन सा सीपीयू रिवॉल्व करा हमने? डबल डेकर किया और आईफोन का भी किया, आईफोन का भी किया, डबल डेकर का भी किया। सबने किया ना डबल डेकर? सबने किया ना? तो ये तुक्के में हुआ कि प्रॉपर तरीके से हुआ? प्रॉपर तरीके से, जैसे बताएंगे वैसे प्रॉपर तरीके से हुआ सर, प्रॉपर तरीके से। फिर क्या क्लास थी हमारी और क्या कंटेंट था आज हमारा? आज सर सुबह में हम लोग का डबल डेकर सीपीयू को रिवॉल्व करना था, ठीक है, वो किए, प्लस आईफोन का भी एक सीपीयू रिवॉल्व मैंने किया, ठीक है। फिर उसके बाद देव सर के साथ क्लास था जी कंपोनेंट 2 का, अच्छा, तो वो देव सर बहुत बढ़िया से समझाए, सारा कंपोनेंट 2 पूरा क्लियर हो गया, अच्छा, और बस। और उसके बाद आपकी प्रैक्टिकल क्लास में आपने वही कंपोनेंट को, कंपोनेंट को क्लियर करा आपने? यस सर, पूरा क्लियर करा, पूरा क्लियर, पीसीबी पे क्लियर किया आपने? यस सर, पूरा क्लियर। अच्छा, पीसीबी पे क्लियर करने के बाद में और अभी लास्ट में अपन ने क्या किया? लास्ट में सर एक 4G मोबाइल से क्या उठाया अपन ने? मोबाइल से पावर एसी उठाए, वापस लगाया, रिवॉल्व करे, फिर वापस उसको लगाए। और कल क्लास काई की आपकी 4G लाइव? 4G लाइव का सीपीयू एमएमसी रिवॉल्व करना बताया गया और वो बहुत अच्छे से हम लोगों ने किया। उसके बाद हमारे कोई भी सीपीयू जो, यस सर, आईफोन तक का, आईफोन तक का सर, आईफोन भी किया? यस सर। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम था, बहुत बहुत, लेकिन अच्छा था, बहुत अच्छा था। चलिए ठीक है। उसके बाद आपकी दोपहर में देव सर के साथ क्लास थी? यस सर, कंपोनेंट 2 का क्लास था। क्लास में कितना मजा आया आपको? सर बहुत, एकदम हाई लेवल, मतलब पूरा कंपोनेंट का पूरा एकदम पूरा कंप्लीट जानकारी दिया सर उन्होंने। तो कोई चीज ऐसी कि कोई चीज आपको ऐसा लगा हो कि यहाँ पे YouTube का ज्ञान दे रहे हैं सर, ऐसा कभी लगा क्या? नहीं 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 सर, उससे तो हाई लेवल है, उसको तो सोचना ही नहीं, YouTube से तो बिल्कुल अलग है सर। YouTube वाला नॉलेज तो नहीं? नहीं नहीं, वो वाला नॉलेज एकदम अलग है सर। तो ये बताइए मेरे को कि आज आपके सारे कंपोनेंट हो गए, तो कंपोनेंट को लेके किसी प्रकार का कोई दिक्कत? कोई डाउट नहीं सर, सब ओके सर, सब ओके। यस सर। तो ये बताइए आपने डबल डेकर रिवॉल्व किया? बिल्कुल सर। और उसके बाद आपने दोपहर में जो देव सर के साथ क्लास थी क्या लेवल की थी? थ्योरी क्लास हुई, इसमें हमने जो बाकी बचे हुए कंपोनेंट्स थे उसके बारे से जाना, उसके आइडेंटिफिकेशन फाइंडिंग्स और जो भी चीज़ें बची हुई थी और नई टॉपिक्स थे उसके बारे से जाना। उसके बाद सेकेंड टाइम में जो हमारा प्रैक्टिकल था, मतलब सेकेंड हाफ में, उसमें हमने 4G हैंडसेट की मदरबोर्ड से पावर आईसी निकाला, उसको वापस से क्लीनिंग करके जो भी प्रोसेस होता है उसको रिवॉल्व करके, जो हमने सीखा था फर्स्ट टाइम सीखा था उसको हमने मतलब सेकंड टाइम में फिर से बिना गाइडेंस, मतलब हेल्प कहना चाहिए, 90% लोगों ने खुद से किया और जिन्होंने नहीं
मतलब नहीं कर पा रहे थे उनको सर ने खुद मतलब अपने हाथों से सामने रख के करवाया ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും അതനുസരിച്ച് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഐ സി മൗണ്ടിങ് ആൻഡ് റീബൗണ്ടിങ് ഓർ സി പി എം എമ്മിനെ ചെയ്യുക അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഒരു സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് കാരണം എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാത്തൊരു കാര്യം സാറിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അവർ സബ് കമ്പോണൻസ് എല്ലാ കമ്പോണൻസിൻ്റെയും റീഡിങ്സ് അത് അറിയാമെങ്കിലും ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ലെവലിലേക്കുള്ള സംഭവം ഇതുവരെ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു റീഡിങ്സ് കറക്റ്റ് റീഡിങ്സ് ഒരു ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് എല്ലാ അത് ഇതുവരെയുള്ള പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റീഡിങ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ ബസ് എക് സി കെ മെനെ സബ് കർലിയ ബഹുത് ഖുഷ് ഹൂ ബാക്കി സബ് മെ കർലൂംഗാ ജോഷ് ഹൈ കി നീ ജോഷ് ഹൈ കി മോട്ടിവേഷൻ ഹൈ കി നീ നഹീ നഹീ സീഖ് കെ ജാഓഗെ കി നീ ജാഓഗെ സീഖ് കെ ജാഓഗെ സീഖ് കെ ജാഓഗെ ജാഓഗെ യെസ് യോഗി ക്ലാസ് തി കിത്തി ബജെ തി സുബ സുബ ठीक है उसके बाद तो आपने क्या किया है एक यूनिवर्सल आईसी से डबल डेकर रिवॉल्व किया हाँ बनाई बढ़िया करके हाँ उसके बाद में फिर क्या क्लास थी आपकी कंपोनेंट टू की क्लास देव सर के साथ थी 11:30 से तो कैसी लगी क्लास आपको नहीं बहुत बढ़िया बेहतर अच्छी तो कोई चीज ऐसी जो दिमाग में नहीं आई हो यहाँ समझ में नहीं सब, सब समझ क्लियर है सब बिल्कुल क्लियर अच्छा उसका प्रैक्टिकल किया आपने प्रैक्टिकल क्लास देव सर के साथ फिर क्लास के बाद फिर दोबारा लैब में आके प्रैक्टिकल किया अच्छा और अभी तक प्रैक्टिकल ही कर रहे हैं अब लास्ट है जा रहे हैं 10 बज गए सुबह अच्छा उसके बाद अभी एंड में जाते जाते क्या क्या रात में तुमने पावर बना के पावर लगाई तो सुबह की जो क्लास में फर्स्ट टाइम डबल डेकर सीपीयू को बनाया उसकी रिवॉल्विंग की फिर देव सर के साथ क्लास हुई वो कंपोनेंट सेकंड उन्होंने क्लियर करे बड़े अच्छे से क्लियर हुए और जो डाउट रह गए थे वो क्लास में फिर लैब में आकर के आपने सारा क्लियर किया जो यहाँ और टीचर्स हैं फैकल्टी हैं उन्होंने सब क्लियर किया डाउट्स और जो सेकेंड फिर थर्ड इनिंग जो हुई थर्ड इनिंग में सेकेंड प्रैक्टिकल हुआ सेकेंड प्रैक्टिकल में पावर आईसी को निकाल करके उसको रिवॉल्व करके फिर से लगाया गया और वो बहुत अच्छा लगा फर्स्ट टाइम था मेरे लिए नेपाल से हाँ और आज फर्स्ट में मॉर्निंग में डबल डेकर रिवॉल्विंग किए और उसके बाद देव सर के कंप्लीट क्लास वो भी कंप्लीट किए एकदम अच्छे तरीके से एकदम प्रॉपरली एकदम डीप तरीके से और उसके बाद लैब में आकर के एकदम प्रैक्टिस की एकदम पूरे कंपोनेंट एकदम अच्छा से नॉलेज आया मतलब और कंप्लीट में एकदम लास्ट में क्या किया आपने लास्ट में और ऐसी निकाल के रिबॉलिंग करके और उसमें लगाई सेट की मेरा नाम मनीष गुज्जर है राजस्थान से जी आज हमने सुबह आते ही यहाँ पे सीपीयू रिबॉलिंग कर किया और उसके बाद में आईफोन की सीपीयू रिबॉलिंग किया उसके बाद सर देव सर के साथ क्लास थी उसमें हमने कंपोनेंट में बारे में जाना जो कि हमें अच्छे से बताया गया हर चीज़ हमने बहुत बारीकी से जानी और हर जानकारी बहुत तरीके से प्राप्त करके उसके बाद में फिर हमने लैब में प्रैक्टिकल किया तो हमने पावर आईसी को उतारा वापस लगाया वो भी बिना हेल्प के और कुछ लगा तो सर ने बहुत हेल्प किया और उसको चेक किया और जितने भी सीपीयू में कैपेसिटर हैं कंपोनेंट है डाइवर्ट है उसकी रीडिंग जानते हैं जो कर लेंगे कोई से भी जगह से पूछ लें दो दिन में पूरा नॉलेज मिला आपको बिल्कुल सर तो तुम्हारी बात नहीं कर रहा पूरी क्लास की पूरी क्लास में फुल एनर्जी है सर कहीं से भी कोई को भी किसी को भी क्या भी पूछ सकते हैं पीसीबी में तुरंत जवाब देगा तो मैंने सीपीयू रिबॉलिंग किया था डबल डेकर और आईफोन की भी सीपीयू रिबॉलिंग किया था दोपहर को देव सर के सर सेकेंड कंपोनेंट की क्लास थी देव सर ने पूरा सुपर एकदम हाई लेवल में समझाएं और प्रॉपर समझ में आई इसके बाद उसकी प्रैक्टिस हुई और शाम को सर पावर आईसी भी माउंट करके क्लास थी वो लगा के हम लोग सक्सेस थी अभी जैसे क्लास स्टार्ट थी देव सर की और पहले प्रैक्टिकल किया सीपीयू रिबॉलिंग वगैरह ये सब फिर उसके बाद देव सर के साथ 11 बजे से क्लास स्टार्ट हुई तो उसके बाद 6 बजे तक उनके साथ क्लास थी सारे कंपोनेंट जितने भी उन्होंने बताए थे सब मतलब कि एकदम परफेक्ट तरीके से बताया और जो नहीं समझ आया उसको दोबारा पूछा हमने और दोबारा मतलब हर बार जितनी बार पूछा उतनी बार हमें बताया भी तो मतलब जितने भी फंडे हैं उसके कंपोनेंट के वो सारे मतलब क्लियर है अभी फिलहाल तो ये बताओ मेरे को अभी रात में जाते जाते भी आपने एक जी जी पावर आईसी को निकाला लगाया रिबॉल किया रिबॉल करके ऑफिस से लगाया सर एक बारी में एक बार वन टाइम में हम सुनते हैं।
सिर्फ अपनी जिद के। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। Thank you.
सर ला रहा हूँ। हाँ, ला रहा हूँ, वो नहीं बस आ गया सर। डबल डेकर खाली है सर, मिल दे दीजिए। मानना पड़ेगा।
सबको दूर किया है हाँ कुछ भी बाकी का तो अच्छा बन लेकिन उसके लिए तीन बार मैंने स्वाद किया तीन बार उसको रिपोर्ट किया तीसरी बार वो उसको लिखा ऐसे कितनी नहीं होती
ठीक है, हाथ बोल लगा सकते हैं। देखोगे तो शॉर्ट ही बताएगा, चेक करो रीडिंग को, उसी रीडिंग को चेक करो जैसे पहले किए थे। हमारे साथ है 28 जुलाई की बेच, कौन कौन लाइव है मालूम नहीं पड़ा, कौन कौन लाइव है, क्या क्लास थी आज हमारी, एमएमसी सीपीयू रिबॉलिंग, सीपीयू रिबॉलिंग कॉइल की कंपोनेंट, सीपीयू रिबॉलिंग की, सीपीयू रिबॉलिंग की पहले कौन सा सीपीयू रिबॉल करा हमने, डबल डेकर भी किया और आईफोन का भी किया, आईफोन का भी किया, डबल डेकर का भी किया, सबने किया ना डबल डेकर, सबने किया ना, तो ये तुक्के में हुआ कि प्रॉपर तरीके से हुआ, प्रॉपर तरीका जैसे बताएंगे वैसे प्रॉपर तरीके से हुआ, यस सर प्रॉपर तरीके से। फिर दोपहर में किनके साथ क्लास थी आपकी, देव सर के साथ, किसकी क्लास थी आपकी, कंपोनेंट टू की क्लास, कंपोनेंट टू, यस सर, सर आपको 10-10 दिन दूसरे इंस्टीट्यूट में आपको कंपोनेंट समझने में लग जाते, 2 दिन में हमारा कंपोनेंट पूरा फ्रीज हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा कोई बंदा जिसको रीडिंग नहीं मालूम, रजिस्टर की, कैपेसिटर की, डायोड की, कॉइल की, ऐसा कोई स्टूडेंट जिसको रीडिंग नहीं मालूम, उसका काम नहीं मालूम, उसका महत्व नहीं मालूम, मल्टीमीटर पर रीडिंग मालूम है, मल्टीमीटर के पीसीबी से बाहर निकालने पे मालूम है, पीसीबी के अंदर मालूम है, हम कोई से भी कंपोनेंट को पहचान के माप सकते हैं, आइडेंटिटी में कोई दिक्कत है, रीडिंग में कोई दिक्कत है, उनका काम क्या है ये मालूम है हमको, अभी कोई ऐसा पीसीबी में ऐसा कंपोनेंट तो नहीं आपको दिखता ऐसा कोई की मतलब जो आपको जिसको जानते नहीं हो आप, सब कंपोनेंट जाने पहचाने लगे,
अगर आईफोन की बात करें तो आईफोन में अलग से कंपोनेंट लगे क्या? नो सर, वो भी वही कंपोनेंट है ना? यस सर। चलिए ठीक है, तो शुरुआत करता हूँ मैं। जी नाम बताइए। कृष्ण प्रकाश तिवारी, झारखंड जमशेदपुर। जी क्या क्लास थी हमारी और क्या कंटेंट था आज हमारा? आज सर सुबह में हम लोग का डबल डेकर सीपीयू को रिवॉल्व करना था। ठीक है, वो किए, प्लस आईफोन का भी एक सीपीयू रिवॉल्व मैंने किया। ठीक है, फिर उसके बाद देव सर के साथ क्लास था जी कंपोनेंट टू का। अच्छा, तो वो देव सर बहुत बढ़िया समझाए, सारा कंपोनेंट टू पूरा क्लियर हो गया। अच्छा, और बस, और उसके बाद आपकी प्रैक्टिकल क्लास में आपने वही कंपोनेंट को कंपोनेंट को क्लियर करा आपने? यस सर, पूरा क्लियर करा, पूरा क्लियर, पीसीबी पे क्लियर किया आपने? यस सर, पूरा क्लियर। अच्छा, पीसीबी पे क्लियर करने के बाद में और अभी लास्ट में अपन ने क्या किया? लास्ट में सर एक 4G मोबाइल से क्या उठाया अपन ने? मोबाइल से पावर एसी उठाए, वापस लगाया, रिवॉल्व करे, फिर वापस उसको लगाए। और कल क्लास काई की आपकी 4G लाइव? 4G लाइव का, 4G लाइव पावर आईसी माउंट रिमाउंट की क्लास है आपकी। हां सर, तो एक्साइटेड होगी नहीं उसके लिए? एकदम जरूर सर। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। जी नाम बताइए अपना। सर मेरा नाम रवि चौरसिया है। रवि, आज की क्लास के बारे में बताइए। आज आप सवेरे क्या क्लास थी, दोपहर में क्या क्लास थी, शाम को कौन सी थी और शाम के बाद रात में कौन सी थी? चार इनिंग हो गई हमारी, है ना? और अपन समय की बात करें तो आप 8 बजे से आए और 10 बज रही है। सर यार, एशिया टेलीकॉम में घड़ी की कोई मतलब है नहीं। वैसे मैं एमडी सर से कल बात करूंगा। वैसे यहाँ कोई घड़ी पहनता भी नहीं और जो फोन लेके आते वो देखता भी नहीं, क्योंकि ना यहाँ किसी को जाने की इच्छा और है भी तो जाने देते नहीं यहाँ, क्योंकि पढ़ने आए हैं और हम पढ़ के जाएंगे। बराबर है, तो पढ़ाई हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हम घर छोड़ के आए हैं, दुकान छोड़ के आए हैं। आप किस मुसीबत से आओ, आपकी 3 दुकान है, 3 दुकान को क्लोज करके आए हो या किसी को भी बिठा के आओ, आपके बिना काम चलता नहीं। तो कितना अमूल्य समय है अभी आपका ये? सर वो बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। और तो ये जिंदगी में दूसरी बार चांस मिलेगा क्या हमको? नहीं सर, मुझे मिल सकता है क्या? नहीं। तो ये प्रीसेस टाइम है ना हमारा, बहुत बहुत बहुत। जब आपको टीचर पढ़ाने के लिए नहीं थक रहा है तो फिर आप क्यों थकेंगे? हेलो, टीचर आपके साथ देख रही है 12 बजे रात तक पढ़ाने के लिए। तो बिल्कुल सर, और मेरा और एक्सा टेलीकॉम का प्रोटोकॉल है, अगर किसी भी क्लास में अगर शाम तक समझ में नहीं आया तो रात के 2 बज जाएंगे, मैं यही बैठे रहेंगे, टिफिन बुलवा लेंगे, जब तक समझ में नहीं आएगा जब तक जाएंगे नहीं हम, ना स्टूडेंट को जाने देंगे ना हम जाएंगे। ये जुनून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चलिए ठीक है, तो ये बताइए आपने डबल डेकर रिवॉल किया? बिल्कुल सर। और उसके बाद आपने दोपहर में जो देव सर के साथ क्लास थी क्या लेवल की थी? थ्योरी क्लास हुई, इसमें हमने जो बाकी बचे हुए कंपोनेंट्स थे उसके बारे से जाना, उसके आइडेंटिफिकेशन फाइंडिंग्स और जो भी चीज़ें बची हुई थी और नई टॉपिक्स थे उसके बारे से जाना। उसके बाद सेकेंड टाइम में जो हमारा प्रैक्टिकल था, मतलब सेकेंड हाफ में, उसमें हमने 4G हैंडसेट की मदरबोर्ड से पावर आईसी निकाला, उसको वापस से क्लीनिंग करके जो भी प्रोसेस होता है उसको रिबॉल करके, जो हमने सुबह सीखा था फर्स्ट टाइम सीखा था उसको हमने लाई, मतलब सेकेंड टाइम में फिर से बिना गाइडेंस, मतलब हेल्प कहना चाहिए, 90% लोगों ने खुद से किया और जिन्होंने नहीं, मतलब नहीं कर पा रहे थे उनको सर ने खुद, मतलब अपने हाथों से सामने रख के करवाया। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज दिन भर का, बहुत ही अच्छा। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, आगे आइए। मेरा नाम शिहास है, केरला से हूँ। शिहास, मेरी अपनी भाषा से बोलो। हाँ बिल्कुल। അതായത് ഒരു വർഷം മുന്നേ ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, കാറിൽ നിന്ന് ഉള്ള ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കാരണം എനിക്ക് ബാക്കിൽ പെയിനും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും അധികം നേരം എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്നാലും അതനുസരിച്ച് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഐസി മൗണ്ടിങ് ആൻഡ് റീബൗണ്ടിങ് ഓർ CPU എന്നെ ചെയ്യുക, അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഒരു സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. കാരണം എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാത്തൊരു കാര്യം സാറിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അവർ സബ് കമ്പോണൻസ് എല്ലാ കമ്പോണൻസിൻ്റെയും റീഡിങ്സ് അത് അറിയാമെങ്കിലും ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ലെവലിലേക്കുള്ള സംഭവം ഇതുവരെ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. റീഡിങ്സ്, കറക്റ്റ് റീഡിങ്സ്, ഓർ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് എല്ലാ അത് ഇതുവരെയുള്ള പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് റീഡിങ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ. ബസ് എക് സി കെ മെനെ സബ് കർലിയ ബഹുത് ഖുഷ് ഹൂ बाकी सब मैं कर लूंगा. जोश है कि नहीं? जोश है कि मोटिवेशन है कि नहीं? नहीं नहीं, सीख के जाओगे कि नहीं जाओगे? जाओगे. यस. चलिए मेरे साथ एक और स्टूडेंट है. जी सर बताएं. नाम बताइए अपना. मेरा नाम अब्दुल है. जी कहाँ से? मैं यूपी से हूँ. हाँ, क्या क्लास थी आज हमारी सवेरे से? आज हमारी 3 इनिंग का बोलो, फर्स्ट इनिंग, सेकेंड इनिंग, थर्ड इनिंग. आज CPO की क्लास थी. कितनी बजे थी? सुबह. ठीक है, उसके बाद तो आपने क्या किया है? एक यूनिवर्सल आईसी से डबल डेकर रिवॉल्व किया. हाँ, बनाई बढ़िया करके. हाँ, उसके बाद में फिर क्या क्लास थी आपकी? कंपोनेंट 2 की क्लास देव सर के साथ थी 11:30 से.
और तो कैसी लगी क्लास आपको? नहीं, बहुत बढ़िया, बेहतर, अच्छी। तो कोई चीज ऐसी जो दिमाग में नहीं आई हो, यहाँ समझ में नहीं? सब समझ में क्लियर है, सब बिल्कुल क्लियर। अच्छा, उसका प्रैक्टिकल किया आपने? प्रैक्टिकल क्लास बिल्कुल देव सर के साथ, फिर क्लास के बाद फिर दोबारा लैब में आके प्रैक्टिकल किया। अच्छा, और अभी तक प्रैक्टिकल ही कर रहे हैं। आप लास्ट है, जा रहे हैं, 10 बज गए सुबह। अच्छा, उसके बाद अभी एंड में जाते जाते क्या किया रात में तुमने? पावर बना के पावर लगाई। पावर बना के पावर लगी, कॉन्फिडेंस है कि नहीं है? बिल्कुल। तरीका आया आपको? प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। मेरा नाम नवीन सिंह है और आज दूसरे दिन की क्लास में सुबह फर्स्ट इनिंग में हमारे साथ एक स्टूडेंट है जो लाइव है, सौरभ साहू नाम है इनका, हमारे एक्स स्टूडेंट है, 28 मार्च की बैच के है। सौरभ कैसे हो भाई? गुड इवनिंग, कैसे हो आप? बढ़िया हो? ठीक है, कंटिन्यू। तो सुबह की जो क्लास में फर्स्ट टाइम डबल डेकर सीपीयू को बनाया, उसकी रिवॉल्विंग की, फिर देव सर के साथ क्लास हुई, वो कंपोनेंट सेकंड उन्होंने क्लियर करे, बड़े अच्छे से क्लियर हुए, और जो डाउट रह गए थे वो क्लास में फिर लैब में आकर के आपने सारा क्लियर किया। जो यहाँ और टीचर्स हैं, फैकल्टी हैं, उन्होंने सब क्लियर किया डाउट्स। और जो सेकेंड फिर थर्ड इनिंग जो हुई, थर्ड इनिंग में सेकेंड प्रैक्टिकल हुआ, सेकेंड प्रैक्टिकल में पावर आईसी को निकाल करके उसको रिवॉल्व करके फिर से लगाया गया, और वो बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम था मेरे लिए। सुबह को ये सीपीयू रिवॉल्व का क्लास था। कोई सा छोड़ा है क्या सीपीयू? हाँ, नहीं, सारे सीपीयू करे आपने? सारे सीपीयू करे, वो भी यूनिवर्सल एक्सटेंशन से। कैसा लगा आपको? एकदम अच्छा लगा। तो फाइनल ट्रिक आपके हाथ में है? ट्रिक हाथ में है, और जब सेकेंड क्लास था देव सर के साथ कंपोनेंट्स का, वो थ्योरी क्लास जब हुआ तो थोड़ा बहुत डाउट बचा था, जो लैब में आके क्लियर हो गया। अभी हम पीसीबी में कोई ऐसा कंपोनेंट जिसकी रीडिंग आपको नहीं आती हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। मेरा नाम संतोष मंडल है जी, नेपाल से हैं। हाँ, और आज फर्स्ट में मॉर्निंग में डबल डेकर रिवॉल्विंग किए, और उसके बाद देव सर के कंप्लीट क्लास, वो भी कंप्लीट किए एकदम अच्छे तरीके से, एकदम प्रॉपरली, एकदम डीप तरीके से, और उसके बाद लैब में आकर के एकदम प्रैक्टिस की, एकदम पूरे कंप्लीट एकदम अच्छा से नॉलेज आया, मतलब कंप्लीट में एकदम। और लास्ट में क्या किया आपने? लास्ट में और ऐसी निकाल के रिवॉल्विंग करके और उसमें लगाई। ठीक है, तो आज के दिन की बात करूँ तो कैसा लगा, कैसा रहा आज के दिन? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हूँ। यहाँ पे पैसा वसूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एकदम ही पैसा वसूल है, बहुत पैसा। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। सर, मैं अशोक अली हूँ, यूपी से। हाँ जी सर, आज मैं सुबह में डबल डेकर रिवॉल्व किया है यूनिवर्सल से सर। फिर उसके बाद में देव सर के साथ क्लास थी सेकंड कंपोन। किस लेवल से पढ़ाया उन्होंने आपको? सर, उन्होंने तो बहुत अच्छे लेवल से पढ़ाया, जैसे पढ़ाना चाहिए उससे बेटर पढ़ाया है। अच्छा। हाँ सर, फिर उसके बाद में दूसरी टाइम में सर हमने पावर ऐसी निकाल के फिर पावर ऐसी हमने लगाई। अच्छा, तो हम ठीक है, पावर ऐसी निकाल के लगाई, लग भी गई आपसे, डन भी हो गया, रीडिंग भी आ गई। पर ये बताओ मेरे को कि जो मेन हमारा कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट था, दो दिन का था, कल का और आज का, तो ऐसा कोई कंपोनेंट जो बाकी जो तुमको रीडिंग नहीं आती हो, पीसीबी में ढूंढते नहीं आता हो? नहीं सर, अब सारी आती है, जो नहीं आता था वो जितनी बार पूछो वो बताया जाता है, जितनी बार पूछा जाए सारा सारा कंपाउंड और ऐसी सब सारा क्लियर है आपकी पीसीबी में जो अभी तक जो क्लास हुई है? चलिए मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। सर, मेरा नाम मनीष गुज्जर है, राजस्थान से हूँ जी। ये आज हमने सुबह आते ही यहाँ पे सीपीयू रिवॉल्विंग कर किया, और उसके बाद में आईफोन की सीपीयू रिवॉल्विंग किया। उसके बाद सर देव सर के साथ क्लास थी, उसमें हमने कंपोनेंट में बारे में जाना, जो कि हमें अच्छे से बताया गया, हर चीज़ हमने बहुत बारीकी से जानी, और हर जानकारी बहुत तरीके से प्राप्त करके। उसके बाद में फिर हमने लैब में प्रैक्टिकल किया, तो हमने पावर आईसी को उतारा, वापस लगाया, वो भी बिना हेल्प के, और कुछ लगा तो सर ने बहुत हेल्प किया और उसको चेक किया, और जितने भी सीपीयू में कैपेसिटर हैं, कंपोनेंट है, डायवर्ट है, उसकी रीडिंग जानते हैं, जो कर लेंगे कोई से भी जगह से पूछ लें। दो दिन की क्लास, दो दिन में पूरा नॉलेज मिला आपको? बिल्कुल सर। तो तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी क्लास में फुल एनर्जी है सर। हाँ। कहीं से भी कोई को भी किसी को भी क्या भी पूछ सकते हैं पीसीबी में,
तुरंत जवाब देगा कोई भी। ठीक है, थैंक यू। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। हेलो, आई एम अजय फ्रॉम लखनऊ यूपी। आज हमारी सुबह 8 बजे से क्लास स्टार्ट हुई, प्रैक्टिकल हुआ, सीपीयू मेमसी रिवॉल्व करना बताया गया और वो बहुत अच्छे से हम लोगों ने किया। उसके बाद हमारी कोई भी सीपीयू जो यूज़ यस सर आईफोन तक का, आईफोन तक का सर, आईफोन भी किया यस सर। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम था, बहुत बहुत लेकिन अच्छा था, बहुत अच्छा था। चलिए ठीक है। उसके बाद आपकी दोपहर में देव सर के साथ क्लास थी? यस सर, कंपोनेंट सेकंड का क्लास था। क्लास में कितना मजा आया आपको ये बताइए सर? बहुत एकदम हाई लेवल, मतलब पूरा कंपोनेंट का पूरा एकदम पूरा कंप्लीट जानकारी दिया सर उन्होंने। तो कोई चीज ऐसी कि कोई चीज आपको ऐसा लगा हो कि यहाँ पे YouTube का ज्ञान दे रहे हैं सर, ऐसा कभी लगा क्या? नहीं 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 सर, उससे तो हाई लेवल है, उसको तो सोचना ही नहीं, YouTube से तो बिल्कुल अलग है सर। YouTube वाला नॉलेज तो नहीं? नहीं नहीं, वो वाला नॉलेज एकदम अलग है सर। तो ये बताइए मेरे को कि आज आपके सारे कंपोनेंट हो गए, तो अभी कंपोनेंट को लेके किसी प्रकार का कोई दिक्कत? कोई डाउट नहीं सर, सब ओके सर, सब ओके यस सर। हाँ, तो मैंने CPU रिबोलिंग किया था डोएल डेकर, और आईफोन की भी CPU रिबोलिंग किया था। दोपहर को देव सर के सर सेकेंड कंपोनेंट की क्लास थी, देव सर ने पूरा सुपर एकदम हाई लेवल में समझाएं और प्रॉपर समझ में आई। इसके बाद उसके प्रैक्टिस हुई और शाम को सर पावर आईसी भी माउंट करके क्लास थी, वो लगा के हमने सक्सेस किया। तो कैसा लग रहा है सब करके आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे साथ एक और स्टूडेंट सर। मेरा नाम मोहित चौरसिया, मैं इंदौर से हूँ। आज हमारा सुबह 8 बजे क्लास थी जिसमें CPU रिबॉल किया हमने। मैंने खुद ने A8 CPU आईफोन का A8 CPU यूनिवर्सल स्टेंसिल से रिबॉल किया, उसको करके देखा पूरा। उसके बाद देव सर के साथ हमारी क्लास थी कंपोनेंट 2 की, जिसमें हमने डायोड और कॉइल का आज सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया। देव सर ने बहुत ही हाई लेवल एनर्जी से हमको पढ़ाया, हमको पूरा समझ आया और अब कोई भी डाउट हमको बचा नहीं है कंपोनेंट में। अभी तक जितना पढ़ाएगा उसमें से सब हमारा क्लियर है, ऑल कंपोनेंट क्लियर है। हाँ सर, शाम को प्रैक्टिकल नॉलेज ऐसा मिल रहा है कि आप किसी 4 बच्चों को पढ़ा सकते हो? यस सर, ऐसा नॉलेज मिल रहा है आपको? मिल रहा है सर, कोई ऐसा छुपा के तो नहीं दे रहे ना? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं। आप 4 बच्चों को पढ़ा सकते? यस सर, बता सकते। यहाँ आपका सेटअप इंदौर में, अगर मैं बोलूँ कि मोहित आप इंदौर में 4 बच्चों को पढ़ा दो जो यहाँ से सीखा है, आप पढ़ा सकते हो? नहीं पढ़ा, पूरा पढ़ा सर। एशिया टेलीकॉम से ना जाने नाम से दिल्ली में 2-3 इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, नेपाल में चल रहे हैं, है ना, महाराष्ट्र में चल रहे हैं, हैदराबाद में चल रहे हैं, सूरत में चल रहे हैं, गुजरात में चल रहे हैं। यहाँ से पढ़ के बच्चा जाता है लखनऊ में चल रहे हैं हमारे हमारे यहाँ के स्टूडेंट के, है ना? हाँ सर, यहाँ से पढ़ के निकलते हैं वो इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं। लेवल इस लेवल की पढ़ाई, पढ़ाई इस लेवल की, नॉलेज ही अलग लेवल का है सर। चलिए ठीक है। तो आपको सुबह से शाम तक की क्लास कैसी लगी? हो रहा बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ऑल द बेस्ट। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। नमस्कार सर, दीपांकर शर्मा नाम है मेरा, मैं दिल्ली से हूँ। हाँ जी। और सुबह 8 बजे से क्लास स्टार्ट थी देव सर की, और पहले प्रैक्टिकल किया CPU रिबॉलिंग वगैरह ये सब, फिर उसके बाद देव सर के साथ 11 बजे से क्लास स्टार्ट हुई जी। तो उसके बाद 6 बजे तक उनके साथ क्लास थी। सारे कंपोनेंट जितने भी उन्होंने बताए थे सब, मतलब कि एकदम परफेक्ट तरीके से बताया, और जो नहीं समझ आया उसको दोबारा पूछा हमने, और दोबारा मतलब हर बार जितनी बार पूछा उतनी बार हमें बताया भी। तो मतलब जितने भी फंडे हैं उसके कंपोनेंट के वो सारे मतलब क्लियर है अभी फिलहाल। तो ये बताओ मेरे को, अभी रात में जाते जाते भी आपने एक जी जी पावर आईसी को निकाला, लगाया, रिबॉल किया, रिबॉल करके ऑफिस से लगाया सर, एक बारी में, एक बार वन टाइम में। तो देखो आज आपका दूसरा दिन हो रहा है, दूसरे दिन में इस लेवल तक पहुंच गए आप। यस सर, दूसरे दिन में। यस, आप ये कल्पना कर सकते थे क्या? सर सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकते। यस सर, जहाँ सोच खत्म होती है वहाँ से एशिया टेलीकॉम चालू होता है। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। सर मेरा नाम है शाहबाज जब्बार वाटकर, मैं चिपलून महाराष्ट्र से हूँ जी। आज सुबह हमारी कंपोनेंट 2 की क्लास हुई, उसमें और कंपोनेंट्स कवर किए गए, और उसमें उसके नाम और उसके जो भी वैल्यूज चेक करने के और कैसे वो सब बताया गया। और उसके बाद सुबह को हमारी प्रैक्टिकल भी हुई, तो प्रैक्टिकल में हमको डबल डेकर आईसी दी थी जिसको रिवॉल्व करना था, तो उसमें मैंने बहुत कोशिश की और मैं उसमें ये कर रहा हूँ और हो जाए। और फिर उसके बाद आज 8 बजे हमको वापस से एक ये दिया था जिसको माउंट और रिमाउंट करना था, तो उसको भी हम लोग ने सही तरीके से कर लिया और इंशाल्लाह सब हो जाएगा सही। कैसा लग रहा है सर? सब बढ़िया लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है। आपकी 4G लाइव क्लास है आपकी? यस सर। और माउंट रिमाउंट की क्लास है? यस सर। एक्साइटेड हो कि नहीं? हाँ सर, बहुत एक्साइटेड है। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। सर मैं यूपी से, गोंडा से। तीनों आ जाओ। सर मैं यूपी गोंडा से हूँ। नाम क्या है आपका? मनोज। मनोज आपका नाम क्या है? सुजीत।
सुजीत कहाँ से हो भाई? मैं सर यूपी से बलिया से। आपका नाम बताइए। सर मैं दिवाकर कनौजिया। अच्छा मैं भी आया से। मैं चाहूँगा हार्दिक भी आ जाए। विशाल सैनी यूपी से। विशाल सैनी यूपी से। तो भाई मैं आपसे बताऊंगा कि आज की क्लास के बारे में बताइए आप। आपको जो सवेरे की क्लास थी हमारी रिवोलिंग की क्लास थी जिसमें डबल डेकर सीपीयू और आईफोन का 8 सीपीयू था, तो आपने किया कि नहीं किया? जी किया। दोनों सीपीयू किया? दोनों किया। परफेक्ट तरीके से किया? कोई तुक्के से काम करा गया नहीं काम किया? चलिए मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जी सर हमने भी किया सर। किया आपने? आईफोन तक किया। आईफोन तक किया। आप सेटिस्फाई हो? जी सर। आपको पूरी स्किल आई? अभी कोई सी भी आईसी जो यूनिवर्सल में लग सकती है तो आप कर सकते हो नहीं कर सकते? अभी लेटेस्ट में डबल डेकर सीपीयू चल रहा है इसके ऊपर, और आईफोन के सीपीयू से ऊपर कुछ है क्या? नहीं सर। इसके ऊपर कुछ है क्या? नहीं सर। चलिए ठीक है। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है। जी बताइए, आपकी सवेरे की क्लास थी और मैं बात करूं कंपोनेंट की, कंपोनेंट का क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका? जी क्लियर है। निकालना लगाना ये करना उसकी रीडिंग लेना उसकी कोडिंग के द्वारा हमारे सारे आईसी के बारे में जानकारी भी मिली। चलिए हाँ, तो मैं सवेरे से क्लास की बात करूँ शाम तक की, तो कैसी रही क्लास आपकी? सर बहुत अच्छा। क्या क्या किया सवेरे आपने? सुबह सर हम लोग आए तो आईसी रिवॉल्विंग की। और कौन कौन सी आईसी रिवॉल्व करी भाई? आईफोन iPhone 8 और डोल डोकर। हाँ। और काफ़ी अच्छी तरीके से हुआ सर, एक शॉट में हो गया। अच्छा जी सर। और कंपोनेंट की बात करूँ तो मैं सर, कंपोनेंट पहले तो हम लोग नहीं जानते थे, बट जब से दो दिन की क्लास ज्वाइनिंग की है तब से काफ़ी नॉलेज हो गया है, और हम लोग एक बार देख के बता सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट है। और सर बहुत अच्छा। तो ऑल क्लियर। अभी रात में जाते रहते भी आपने 4G आईसी को निकाल के लगा के माउंट रिमोट किया आपने? जी सर। सक्सेस हासिल हुई कि नहीं आपको? जी एकदम 100% सर। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, तो ये बताइए मेरे को जी। हाँ सर, मेरा नाम आसिफ मोला है, मैं महाराष्ट्र पुणे से हूँ। आज हमारा सीपीयू को डबल डेकर और 8 सीपीयू का रिवॉल्विंग हुआ। हाँ। जिस तरह से सर ने बोला उस तरह से, उस ट्रिक से मैंने वन टाइम में ये आईसी रिवॉल्व किया। मैं इतना खुश हूँ आज कि मैंने पहली बार ये एप्पल का सीपीयू रिवॉल्व किया, और वो भी फर्स्ट टाइम में। ओके, उसके बाद में हमारा कंपोनेंट का क्लास हो गया। उसके बाद में कंपोनेंट के क्लास में हमारे को कंपोनेंट के बारे में जानकारी मिली। उसके बाद में अभी तो कंपोनेंट 1 और 2 क्लास, कल भी कंपोनेंट थे, आज भी कंपोनेंट थे, आज आपका कंपोनेंट खत्म हो गया। तो कोई ऐसी चीज़, ऐसा कोई कंपोनेंट जिसकी रीडिंग नहीं आपको मालूम हो? नहीं सर, अभी मेरा जो मदरबोर्ड को देखने का तरीका है या नजरिया है वो बदल गया है सर, पूरा बदल गया अभी। हाँ सर, अभी वो टेक्निकल इससे मैं वो मदरबोर्ड की तरफ देखता हूँ। बराबर है, चलिए ठीक है। और उसके बाद अभी आखिरी में अभी रात में क्या किया आपने? अभी सर मैंने पावर आईसी निकाल के रिवॉल्व करके फिर से बैठा दिया। तो हाँ सर, तो आप सक्सेस हुए उसमें? हाँ सर, वन टाइम में सक्सेस हुआ। सर ने बोला जैसा ट्रिक से बोला था उस ट्रिक से करने के बाद मेरा ओके हो गया सर। चलिए ठीक है। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, मेरा नाम राज शर्मा है। राज शर्मा कहाँ से भाई? जी आसाम से सर। आसाम से जी। बताइए क्या क्लास थी आज आपने और कैसा रहा आज का दिन, सवेरे का, सवेरे से शाम तक? सवेरे 8 बजे से क्लास शुरू हुआ है। हाँ। सुबह में हमने सीपीयू रिवॉल्विंग किया और एप्पल आईफोन का सीपीयू रिवॉल्विंग किया, वो भी डुअल डेकर में। हाँ। बहुत बढ़िया हुआ था। यूनिवर्सल में किया आपने? यूनिवर्सल में, डुअल डेकर भी यूनिवर्सल में, आईफोन का 8 भी यूनिवर्सल में। यूनिवर्सल में किया, उसके बाद में देव सर के साथ में 6 घंटा क्लास हुआ। हाँ। उसके बाद में प्रैक्टिकल में आए, प्रैक्टिकल किए, बहुत बढ़िया रहा सर। तो मतलब इतनी सारी चीज़ें हो जाती कि अभी रिव्यू देते टाइम याद नहीं रहता क्या क्या कर लिया आज हमने? नहीं अब वही हुआ, भूल गया वही सर। 13 घंटा हो गया सर क्लास किया हुआ। चलिए ठीक है, जो जिन जिन का रिव्यू नहीं हुआ सामने आ जाइए आप। आप एक मिनट सामने आ जाओ, मैं सबको ग्रुप में ले लेता हूँ। इधर आ जाइए, सबको ग्रुप में ले लेता हूँ। आ जाइए आप सब, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। आज की क्लास को लेके किसी को किसी प्रकार का डाउट? नो सर। क्लियर है सबका? यस सर। एक एक का क्लियर है? यस सर। आइए, किसी को किसी प्रकार का डाउट इधर? नो सर। पूरा क्लियर है? यस सर। बात करूं कंपोनेंट की? यस सर। कंपोनेंट पूरे क्लियर है? यस सर। मतलब कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट पीसीबी के बाहर, पीसीबी के अंदर, पीसीबी के अंदर मल्टीमीटर से रीडिंग पूरा क्लियर है? यस सर। जाने पहचाने लगते हैं कंपोनेंट? यस सर। इस कंपोनेंट की क्लास को 8 दिन लगते हैं पढ़ाने में दूसरे इंस्टीट्यूट में। कितने दिन? 8 दिन। वो क्लास आपकी 2 दिन में निपट गई। यस सर। 2 दिन में निपट गई। क्या बोलेंगे सर के लिए? थैंक यू सर।
ऊपर से ऊपर। अगर ये कंपोनेंट की क्लास किसी इंडिया में किसी भी टीचर के द्वारा तुमको दी जाती तो इतना इतना आपको परफॉर्मेंस मिलता क्या, आउटपुट मिलता क्या? नो सर। आप इतना परफेक्शन आता क्या आपके कंपोनेंट में? यस सर। है ना, मेहनत करते कि नहीं सर? यस सर। एनर्जी का लेवल क्या रहता है सर का? हाई लेवल। हाई लेवल यस सर। तो उनकी एनर्जी थोड़ी बहुत तुम में भी कन्वर्ट होती है? यस सर। पढ़ने वाले की एनर्जी इतनी रहती तो पढ़ने वाले की कितनी होगी? जी सर। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1। Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?